डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज जनरल इंग्लिश क्लास 12th की जो वर्कबुक की जो सीरीज चल रही है, उसका आज हम लेसन 6 देखेंगे। एक पैसेज है कि जो भी आप अच्छा या बुरा करते हो वही आपके पास वापस लौट कर आ जाता है। कुछ ऐसा ऐसी थीम है इस कहानी की, छोटी सी एक कहानी है। While out driving with my children one day, I noticed a woman standing beside her car. कि जब मैं अपनी कार से अपने बच्चों के साथ हाईवे पर जा रहा था, तो मैंने देखा, आई नोटिस्ड, मैंने देखा एक महिला को जो अपनी कार के साइड में खड़ी थी। आई पुल्ड अप बिहाइंड हर एंड डिस्कवर्ड डेट नॉट ओनली वॉज ए टायर फ्लैट बट शी वॉज नॉट श्योर हाउ टू चेंज इट। मैंने अपनी कार उसकी कार के पीछे लगाई और ये पाया कि केवल उसकी गाड़ी का उसकी कार का केवल टायर ही फ्लैट नहीं था, बल्कि उस महिला को ये भी नहीं पता था कि अब इसको कैसे बदले, यानी कि वो उस टायर को चेंज करना नहीं जानती थी। आई ऑफर्ड टू फिक्स इट, मैंने कहा कि मैं इसे बदल सकता हूँ। एंड वी वर सून बोथ ऑन आवर वे, और मैंने उसको ठीक किया और थोड़ी देर बाद हम हमारे रास्ते पर थे दोनों। आफ्टर ए फ्यू आवर्स आई डिसाइडेड टू हेड होम व्हेन आई नोटिस्ड स्टीम राइजिंग फ्रॉम माई बोनट। और कुछ घंटों के बाद जब मैंने अपनी घर की तरफ रुख किया, तो मैंने पाया आई नोटिस्ड स्टीम राइजिंग फ्रॉम माई बोनट, कि जो मेरी कार का जो वो बोनट है उसमें से स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है। आई पुल्ड इन टू ए रेस्टोरेंट कार पार्क एंड फाउंड ए होल इन द रेडिएटर, और मैंने अपनी कार को एक रेस्टोरेंट कार पार्क में लगाया और ये पाया कि मेरी जो कार है उसके रेडिएटर में छेद हो गया। ए ट्रक हैड जस्ट ड्राइवन इन एंड द ड्राइवर आस्क्ड मी व्हाट द प्रॉब्लम वाज। उसी के बाद एक ट्रक उस रेस्टोरेंट के अंदर आया और वो जो ट्रक का ड्राइवर था उसने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। आई एक्सप्लेन, मैंने बताया, एडिंग डेट माई ब्रदर ब्राड वॉज ए मैकेनिक एंड आई आई वुड कॉल हिम। मैंने बताया, पूरी बात बताई उसको और कहा कि मेरा भाई जो कि एक मैकेनिक है, मैंने उसको अभी बुलाया भी है। वेन ही फाउंड आउट ब्राड लिव्ड एन आवर अवे, ही टुक माई किड्स इन टू द रेस्टोरेंट एंड ब्रॉट देम सफर रिफ्यूजिंग पेमेंट। जब उसने पाया कि जो इस लेखक का जो भाई ब्राड है वो 1 घंटे की दूरी पर रहता है, यानी कि उसको आने में 1 घंटा लग जाएगा, तो वो जो ट्रक ड्राइवर था वो मेरे बच्चों को रेस्टोरेंट लेके गया और उन्हें भोजन करवाया, सफर और पेमेंट लेने से भी मना कर दिया। देन ही टुक अस टू हिज रिलेटिव हाउस नियर बाई, और फिर वो ट्रक ड्राइवर जो था हमें उसके जो रिलेटिव जो आसपास रहते थे उनके घर पर लेकर गया। नॉट ओनली डिड द मेन वेट फॉर ब्राड टू अराइव, केवल उस व्यक्ति ने केवल हमारे जो मेरा भाई था ब्राड उसके आने का इंतजार ही नहीं किया, बट दे ड्रो ऑफ टूगेदर टू हैव ए लुक एट द कार, बल्कि जब भाई आ गया तो उनके साथ हमारी कार को देखने भी वो ट्रक ड्राइवर गया। आफ्टर इट वॉज फिक्स्ड आई थैंक्ड द मैन फॉर हिज ओवरवेलमिंग जेनरसिटी। जब मेरी कार ठीक हो गई तो मैंने उस व्यक्ति को उसकी जबरदस्त जो वो कृपालुता थी, वो जो सहायता उसने की थी, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा था कि एक ट्रक ड्राइवर जो कि मुझे जानता नहीं है फिर भी मेरी मदद किए जा रहा था। तो इट्स नो ट्रबल, ट्रक ड्राइवर ने क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ही से ट्रक ड्राइवर ने कहा, आई हैपन्ड टू बी ड्राइविंग डाउन द हाईवे ए फ्यू आवर्स एगो एंड सा यू हेल्पिंग ए लेडी विथ हर कार ट्रबल्स। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैंने भी आपको जब रास्ते में हाईवे से मैं जा रहा था कुछ घंटे पहले, तो आपको देखा था कि आप एक महिला की मदद कर रहे थे, उसको कार में कुछ परेशानी थी। वाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो भी
आपके पास जाता है, घूम फिर कर वापस आपके पास आ जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है, और अगर आप गलत करते हैं तो वो भी एक दिन आपके पास घूम कर आता है। तो मदद करो, मदद पाओ, कुछ ऐसा इसका संदेश है। अब इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर स्टॉप एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व देयर, कि लेखक कहाँ रुका और उसने क्या देखा। तो इसका आंसर है, द ऑथर स्टॉप्ड बिहाइंड ए वुमेन स्टैंडिंग बेसाइड हर कार, कि जो लेखक है वो रुका एक महिला जो अपनी कार के पास साइड में खड़ी थी वहां आकर वो रुका। ही ऑब्जर्व्ड डेट, उसने पाया डेट नॉट ओनली ए टायर ऑफ हर कार वॉज फ्लैट बट शी वॉज नॉट श्योर हाउ टू चेंज इट, और उसने देखा कि केवल कार का टायर ही फ्लैट नहीं हुआ है बल्कि वो इसको बदलना भी नहीं जानती थी। तो दो बात पूछी थी, दोनों का आंसर हो गया। व्हाट डिड द ऑथर सी इन हिज बोनट, लेखक ने अपनी कार के बोनट में क्या देखा। तो उसने देखा कि वाष्प निकल रही थी और उसके जो कार के बोनट में छेद हो गया था, रेडिएटर में छेद हो गया था। द ऑथर सा स्टीम राइजिंग फ्रॉम हिज बोनट एंड ए होल इन द रेडिएटर, लेखक ने देखा कि उसकी कार से स्टीम निकल रही है बोनट से और एक होल छेद हो गया था उस रेडिएटर में। हु टुक द किड्स इन टू द रेस्टोरेंट, कि रेस्टोरेंट में बच्चों को लेकर कौन गया। तो ट्रक ड्राइवर लेके गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ट्रक ड्राइवर टुक द किड्स इन टू द रेस्टोरेंट, कि जो वो ट्रक ड्राइवर था वो बच्चों को रेस्टोरेंट लेकर गया। अगला क्वेश्चन है, हु वेंट टू हैव ए लुक, हु वेंट टू हैव ए लुक एट द कार, कि उस कार को देखने कौन गया। तो ट्रक ड्राइवर भी गया था और लेखक का भाई जो ब्राट था वो भी गया था। तो द ट्रक ड्राइवर एंड द ऑथर्स ब्रदर ब्राट वेंट टू हैव ए लुक एट द कार, कि दोनों भाई दोनों गए थे, ट्रक ड्राइवर भी गया था और लेखक का भाई भी गया था जिसका नाम था ब्राट। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर थिंक द ट्रक ड्राइवर, लेखक ने ट्रक ड्राइवर को धन्यवाद क्यों दिया। तो क्यों दिया था, क्योंकि वो जबरदस्त सहायता कर रहा था, मदद कर रहा था जबकि पहचानता भी नहीं था। तो द ऑथर थैंक्ड द ट्रक ड्राइवर फॉर हिज ओवरवेलमिंग जेनरसिटी, कि वो जो जबरदस्त मदद कर रहा था उसके लिए लेखक जो है ट्रक ड्राइवर को उसने थैंक्स कहा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आज आपका ये लेसन 6 भी हो गया है, और इसमें जो मैंने क्वेश्चन शामिल किए वो सभी IMP है। इसी प्रकार मेरे चैनल को लाइक करते रहें वीडियोस को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।